सर पे बोझा ढोते थे, उसके बाद अपनों ने साइकिल से मजदूरी शुरू की, अब अपना रिक्शे पे बोरे रखकर मजदूरी करती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता अपना अच्छी तरक्की कर रहे हैं? मुझे लगता है अपना जल्दी ट्रक ले लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से अपनी तरक्की हो रही है ऊपर वाले की कृपा रही तो जल्द से जल्द अपना ट्रक ले लेंगे, ट्रक में बोझा ढोया करेंगे। राहुल तुम्हें ऐसा नहीं लगता आज केजरीवाल ने अपने रिक्शा पर कुछ ज्यादा ही वजन लाद लिया है? बड़ा हल्के हल्के चला रहे हैं अपने रिक्शा को बिल्कुल पीछे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, मैं इस राहुल की बातों में आ गया। इसने बोला एक बोरा और लाद लो, एक बोरा और लाद लो, ऐसी करते करते मेरा रिक्शा ओवरलोड हो गया, इसीलिए मैं अपने रिक्शे को सही से खींच नहीं पा रहा हूं और तुम सब लोगों से पीछे हो गया। अरे योगी जी कैसे खड़े हो, किसी काम पर नहीं गए आज? अरे क्या बताऊं केजरीवाल, मैं भी सोच रहा हूं तुम लोगों की तरह एक रिक्शा खरीद लूं और रिक्शे पर मजदूरी करूं। तुम सब लोग रिक्शे पर मजदूरी करके बहुत बढ़िया कमा रहे हो। अरे मोदी जी किसी का पुराना अगर रिक्शा बिकता हो तो मुझे बता देना। अरे योगी जी अगर मेरी बात मानो तो पुराना रिक्शा मत खरीदूं, नहीं तो उसमें पैसे लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, कभी कुछ खराब हो जाएगा कभी कुछ खराब हो जाएगा। तो मोदी जी नया रिक्शा तो बहुत महंगा मिलेगा, कैसे मिलेगा? बहुत आसान तरीका है, तुम अपने रिक्शे को किस्तों पर ले लो, फाइनेंस करा लो रिक्शे पर। एक महीने की किस्त यानी के ईएमआई मुश्किल से 100 रुपए महीना पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया मोदी जी आपने, और मुझे इकट्ठा पैसा भी नहीं जमा करना पड़ेगा, 100-100 रुपए महीना। कौन फाइनेंस करके दे सकता है मुझे, कौन दे देगा लोन? देखो कर तो बहुत से लोग रहे फाइनेंस, बहुत से लोग लोन दे रहे, लेकिन मैंने तो अखिलेश से कराया था, अखिलेश ज्यादा ब्याज भी नहीं लगाता है। फिर भी कुछ तो बताओ अखिलेश कितने टका ब्याज लेगा? तुम वो सब छोड़ दो, बहुत कम ब्याज लगवाऊंगा मैं तुम्हारा, बस तुम तैयार हो जाओ, आज ही रिक्शा मैं तुम्हें